लेकिन इस संसार में ऐसा कोई पर्दा नहीं जिस पर्दे के भीतर मेरा मालिक तुझे देख न सके, मेरा विट्ठल तुझे देख न सके। ये जीव बड़ा डबल माइंडेड है। जब खुद मंदिर में बैठता है पूजा करने के लिए तब ये देखता है, जब ये समझता है कि भगवान तो ये बैठे मेरे सामने, मेरी तो जरूर सुनेंगे, मेरे ही सामने तो है, मैं पूजा कर रहा हूँ, मेरी जरूर सुनेंगे। और जब यही व्यक्ति चोरी चकारी करने, उल्टा सीधा काम करने जाता है, तो फिर उसे भगवान की याद भी नहीं रहती कि जो पूजा कर रहा था वो तुझे देख रहा था, अब तू यहाँ पाप कर रहा है तो भी तुझे देख रहा है, उस समय भूल जाता है भगवान को और इसीलिए दुख पाता है। काला ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, भगवान को वैसे ही दोष लगाता है, खुद तो पाप कर रहे हैं। पंडित जी ने यह सेंटेंस कहा कि कोई भी जगह कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहां मेरा ईश्वर तुम्हें नहीं देख रहा है, इसलिए हे पाप करने वालों, पाप करने से पहले एक बार सोच लो कि वो तुम्हें देख रहा है, और उसने देख लिया है तुम्हें एक एक कर्म का हिसाब देना पड़ेगा। तुम दुनिया से छिपा सकते हो अपने काले कर्मों को, लेकिन मेरे गोविंद से ये कर्म छिपने वाले नहीं है। मेरा गोविंद देखता है, वो जानता है, वो देख रहा है। अंधेरे बजाओ, तुम्हारे कर्म थोड़ी देखेगा वो। अब बालक कांटा निकाल के पिताजी के पास गया। पिताजी ने कहा बड़ी लेट कर दिया, बोले पिताजी क्षमा कर दो, आज हो गया, विलंब हो गया आज। तो बताओ कैसा रहा? बोले मैं ये आम के वृक्ष पे चढ़ रहा हूं, आम चोरी करेंगे आज, घर में आम लेके चलेंगे, और ये दूसरे का खेत है, हमारा तो है नहीं, तो जब भी कोई दूर दूर से कोई देखे तो मुझे बता दियो, मैं नीचे उतर आऊंगा। बोल जी। पिताजी आम के वृक्ष पर चढ़ गए आम तोड़ने के लिए। पिताजी चढ़े और जैसे ही पिताजी आम तोड़ने लगे, बच्चे ने कहा, पंडित जी की बात याद आ गई बच्चे, ऐसी कोई जगह नहीं वो तुम्हें न देख रहा हो, वो सब जगह तुम्हें देख सकता। उस बच्चे ने कहा पिताजी, बोले हाँ, बोले वो तुम्हें देख रहा है। चोर के पांव बड़े कमजोर होते, धड़ाक से पिताजी नीचे कूदे, कौन 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 देख रहा है, कौन देख रहा है? बोले वो देख रहा है। पिताजी ने कहा वो ठीक है, मैं देखता हूं, पहले एक बात बता, तूने कहीं कथा तो नहीं सुन ली किसी की? तूने कथा तो नहीं सुनी? तो उसने पूरी बात बता दी। मैं निकल रहा था, मेरे पैर में कांटा लग गया, और जब मेरे पैर में कांटा लग गया पिताजी, तो मैं वहां से आ रहा था, तो इतने में मैं कांटा निकालने लगा, पंडित जी ने कहा कि वो तुम्हें देख रहा है। पिताजी ऐसी कोई स्थान नहीं जहां वो हमें ना देखता हो, हम दुनिया की नज़रों से छुप सकते हैं, बच सकते हैं, पर भगवान की नज़रों से नहीं बच सकते। पिताजी भगवान हमें हर समय देखता है, हमें ये पाप नहीं करना चाहिए। पिता ने कहा बेटा, जब तेरे मन में ये भाव आ गया तो आज से तू मेरा गुरु, मैं तेरा चेला, जा आज के बाद चोरी नहीं करेगा।